हेलो फ्रेंड्स, हमने ये एक बेसिक फोटोग्राफी कोर्स लॉन्च किया है जहां पर आप ये समझेंगे कि आपको कैमरा का सेटिंग कैसे करना है और कैसे आप लाइटिंग, कंपोजिशन, स्टोरी टेलिंग ये सारी चीज़ें फोटोग्राफी में कर सकते हो बड़े आराम से। तो हमारा ये तीसरा एपिसोड है और क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी दो एपिसोड जो है शटर स्पीड और एपर्चर उस पर वीडियोज बना दिए हैं एंड ये जो दो सेटिंग्स है वो आपके कैमरा के सबसे दो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। तो ये तो आपको समझने है ही, पर इसके आगे का जो ये तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो होता है ISO। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि आप ISO कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, ISO का मतलब होता है इमेज सेंसिटिविटी। इमेज सेंसिटिविटी क्या होता है? तो जब आपके एपर्चर के थ्रू जब लाइट आपके कैमरा के अंदर एंटर हो रही है, आपने अमाउंट डिसाइड कर ली कि भाई कितनी लाइट आपके कैमरा में एंटर होने वाली है, और शटर स्पीड के थ्रू आपने ये भी डिटरमाइन कर लिया कि कितनी ड्यूरेशन होगी आपके कैमरा के अंदर लाइट एंटर होने की, कितने टाइम के लिए आपके कैमरा के अंदर लाइट एंटर होगी। पर अब हम ये समझेंगे कि आपकी जो वो लाइट है, आपका जो ये सेंसर है, जब ये लाइट आपके सेंसर पर हिट होती है पर फिर भी आपको चाहिए उतने प्रॉपर लाइटिंग वाले फ़ोटो नहीं मिल रहे हैं, आपको जो एक राइट एक्सपोजर है ये दो चीज़ों से नहीं मिल रहा है। एपर्चर और शटर स्पीड सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में आपने सेट किया है, पर फिर भी जब भी वो आपकी इमेज सेंसर पर हिट होकर आपकी जो वो इमेज बनती है उसमें आपका जो ये एक्सपोजर होता है वो करेक्ट नहीं बैठ रहा है, तब आप ISO पे शिफ्ट होते हो। ठीक है, एंड ये ISO होता क्या है? ये आपका जो ये सेंसर है जहाँ पे आपकी इमेज बन रही है उसको ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, लाइट सेंसिटिव बना देता है। मतलब जो ISO पहले आप सेट कर रहे थे वो था ISO 100। ये ISO पे क्या हो रहा था कि आपका जो ये सेंसर है वो लाइट से कम सेंसिटिव था। मतलब भले ही जितनी भी लाइटिंग आपको एपर्चर और शटर स्पीड के थ्रू डिसाइड करनी है, ठीक है, वो उतनी कैप्चर कर देता है, पर जैसे ही आप ISO 100 से 200 के पीच पे लेके जाते हो तब ये सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। और भले ही वही शटर और वही एपर्चर के थ्रू जितनी भी लाइट आपके कैमरा में एंटर हो रही थी, आपका सेंसर उससे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और आपका एक्सपोजर एक स्टॉप बढ़ जाता है। अब आपको वही इमेज जो पहले ISO 100 पे थी उससे आप एक स्टॉप ब्राइट देख पाओगे ISO 200 पे, भले ही आपका जो सेटिंग है शटर और एपर्चर का वो सेम रहेगा। मैजिक, इजंट इट? और ये जो ISO 200 है उसका आप अगर 400 कर दोगे और 400 का 800, 800 का 1600, जैसे जैसे आप ISO बढ़ाते जाओगे वही एपर्चर और वही शटर स्पीड के बेसिस पे ही आपका जो एक्सपोजर है वो बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे आपका ISO बढ़ रहा है, आपका जो ये सेंसर है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता जाता है लाइट को लेके। आप बोलोगे या तो सही है, अगर लाइटिंग की कंडीशन कितने भी कम हो, मेरे को चाहिए कि एकदम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो, जो शटर स्पीड है वो भी एकदम फटाक से क्लिक हो जाएगा, ये तो बेस्ट है, ठीक है यार मैं ISO बढ़ा दूंगा, क्या ही प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है, जैसे जैसे आप ISO बढ़ाते हो वैसे वैसे आपके कैमरा के अंदर आपका जो ये इमेज सेंसर है वो एक दूसरे को, जो पिक्सल्स है वो एक दूसरे को हिट होने लगते हैं, और जब ये एक दूसरे को हिट होते हैं, जब वो लाइट को सेंसिटिव होने के बाद हिट होते हैं, तब आपके जो ये फ़ोटो है उसमें ग्रीनी और डॉटी अपीयरेंस क्रिएट होता है और उसको हम लोग कहते हैं नॉइस। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप कितना भी एपर्चर और कितना भी शटर स्पीड सेट कर लो, ISO आपको बढ़ाना पड़ ही रहा है, अगर आप नाइट फोटोग्राफी, अगर रात की फोटोग्राफी में बैठे हो और वहाँ पे आपको आपको लग रहा है कि मुझे ISO बढ़ाना ही पड़ेगा, तो ठीक है ISO बढ़ा दीजिए, पर उसके साथ साथ आप जो ये नॉइज़ है उसको भी बहुत ही अच्छे से वेलकम कर रहे हो आपके फोटोग्राफी में। तो अगर आपको नॉइज़ से भी बचना है तो उसके दो इलाज हैं। एक जो सबसे बेस्ट इलाज है वो है कि लाइटिंग कंडीशन बढ़ाइए, और इसके लिए आपको लाइटिंग की नॉलेज, कौन सी लाइट्स आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और अगर लाइटिंग कंडीशन आप नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आपको जो सेकंड चीज़ है वो है फुल फ्रेम कैमरा या हाई रेंज का कैमरा लेना पड़ेगा, जहाँ पे वो जो सेंसिटिविटी है उसको डायनामिक रेंज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से दिखा पा रहे हो, मतलब आपका जो नॉइज़ है वो एकदम अच्छे से विजिबल नहीं है। पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लाइटिंग कंडीशन को ही सेट करना समझें।
तो अब ये लाइटिंग कंडीशन आप कैसे सेट करोगे? नेक्स्ट वीडियो में आप ये लाइटिंग के बारे में एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो हम ये समझेंगे कि आप ये कैसे सेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आपको सच में ही एक अच्छा फोटोग्राफर, भले ही आपकी हॉबी है या आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है, आपको बहुत ही अच्छा पड़ेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, हम लोग को इंस्टाग्राम पे DM करें या फिर कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, हम श्योरली आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।